हेलो चिल्ड्रन, मायसेल्फ मेश्राम सर, कल्पतरु विद्या मंदिर शिंदे भाई. दिस इज सेकंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश एंड टुडेज लेसन इज द माइस एंड द एलिफेंट. इन द लास्ट इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन द इन दिस लेसन द किंग ग्रीव ओल्ड. किंग जो थे वो ओल्ड हो गए एंड ही डाइड एंड एवरीवन लेफ्ट पैलेस को छोड़कर वहां से चले गए. स्लोली स्लोली द वॉल्स फेल डाउन. वो जो यहाँ पर वो पैलेस था, स्टोन पैलेस था, उसके जो वॉल्स थे वॉल्स फेल डाउन एंड गिर गए एंड द फ्लोर्स वेयर लेफ्ट. और वहां पर सिर्फ फ्लोर्स ही बचे थे उस पैलेस के. अभी उस फ्लोर्स में द क्रैक ऑफ द फ्लोर देयर लिव द माइस. देयर लिव हंड्रेड ऑफ माइस. सो मेनी माइस लिव्ड देयर. चूहे रहने लगे वहां पर उनके रिलेशन से माइस के जैसे हमारे रिलेशन होते हैं ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, वैसे ही लाइक दिस ग्रैंड सन ग्रैंड फादर्स ग्रैंड मदर्स इनके माइस के रिलेशन थे वहां पे, रिलेटिव थे. एंड ऑल द माइस लिव्ड देयर कंफर्टेबली. कंफर्टेबल मीन्स आराम से. कंफर्टेबल, दिस वर्ड इज कंफर्टेबल. कंफर्टेबल मीन्स आराम से वहां पर वो रहने लगे. वहां पर बहुत सारे दे प्लेड गेम्स, दे हैड फेस्टिवल. वहां पर वो प्लेइंग करते थे गेम्स. ये माइस वहां पर गेम खेलते थे. फेस्टिवल एंजॉय करते थे. फेस्टिवल मीन्स त्योहार. वेडिंग मीन्स शादियां वहां पर होती थी उनकी. ड्रामास एंड वो वहां पर ड्रामा सेलिब्रेशन करते थे वहां पर. फीस्ट मीन्स होता है फीस्ट मीन्स ग्रैंड मील एंड बहुत बड़ा खाना भोजन बोलते उनको. वहां पर वो सारे वहां पर फेस्टिवल्स एंजॉय करते थे. मीन्स दे वेयर ऑल हैप्पी. ऑल द माइस वेयर हैप्पी. ये माइस कैसे थे, बहुत ही हैप्पी थे. अभी वहां पर एक लार्ज लेक भी था उधर. लेक देयर वाज अ लेक. लेक मीन्स एक तालाब था उस स्टोन पैलेस के आसपास में. और जब हॉट वेदर रहता है, हॉट मीन्स गर्मी का टाइम जब होता है, वेदर यानी गर्मी का मौसम होता है, द एलिफेंट किंग केम टू ड्रिंक वाटर इस लेक में. यहाँ पर हु केम देयर, एलिफेंट किंग वहां पर आते हैं अपने हर्ड के साथ यानी उनके ग्रुप के साथ आते हैं टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द लेक. लेक से वो वाटर ड्रिंक करने के लिए. अभी वहां पे ये पैलेस जो है ये ऐसे फ्लोवर्स होते हैं पैलेस के फ्लोवर्स. और इस ये जो क्रैक है यहाँ पर दिख रही है, इन क्रैक में बहुत सारे माइस रहते हैं. तो वहां से वो ये जो एलिफेंट है, एलिफेंट वॉक्ड अमंग द फ्लोवर्स. इस फ्लोवर्स के ऊपर से वो वॉक करते हैं एंड देयरफॉर सो मेनी माइस किल्ड हियर. यहाँ पे बहुत सारे माइस किल्ड हो गए, मर गए. अब ये एलिफेंट का वेट बहुत भारी होता है, बहुत वेट, ये ज्यादा हाई वेटेड होते हैं. सो व्हेन दे वॉक फ्रॉम द फ्लोर, जब फ्लोर से वो वॉकिंग करते दैट टाइम द अंडर द फ्लोर वहां पर माइस लिविंग करते हैं. सो मेनी माइस किल्ड बाय द एलिफेंट. एलिफेंट की वजह से वहां पर माइस मर गए. अभी ऑल द माइस वेयर वेरी सैड. यहाँ पर जो माइस है ये माइस वेयर सैड. कैसे है, ये दुखी है, सैड है. क्यों सैड है, बिकॉज सो मेनी माइस किल्ड हियर. यहाँ पर बहुत सारे माइस मर गए. अभी उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की, इन माइस ने मीटिंग वहां पर अरेंज की. और मीटिंग में क्या उन्होंने डिसाइड किया, दिस एलिफेंट्स विल किल अस ऑल. ये एलिफेंट क्या करेंगे, एलिफेंट विल किल हमको. ये एवरीडे यहाँ पर जब वॉकिंग करेंगे तो जो माइस है हम लोग, वी आर द माइस, हम लोग मर जाएंगे. मीन्स द एलिफेंट विल किल अस ऑल. व्हाट शल वी डू. अभी उसने अपने मीटिंग में, माइस ने मीटिंग में, अभी हम क्या कर सकते हैं, व्हाट शल वी डू, अभी हमको क्या करना चाहिए, हमारी जान बचाना है. वी हैव टू सेव अवर लाइफ फ्रॉम द एलिफेंट. एलिफेंट से हमको बचना है, तो व्हाट शल वी डू. अभी सम ऑफ द माइस वेंट टू द एलिफेंट
अभी यहाँ से माइस जो है वो एलिफेंट के पास गए सब माइस एंड सेड ओ फ्रेंड वी लिव अंडर द पैलेस फ्लोर। ये माइस सेड टू द एलिफेंट, एलिफेंट को कहते हैं ये माइस, ओ डियर फ्रेंड एलिफेंट वी लिव अंडर द फ्लोर, हम लोग इस फ्लोर के अंडर में रहते हैं। इफ यू वॉक ओवर द फ्लोर, जब तुम वॉक करते हो उस फ्लोर के ऊपर से, जब हैव यू केम टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द लेक, लेक से जब वाटर ड्रिंक करने के लिए आते हो तो यू विल किल अस ऑल, तो आप हमको किल करते हो, मार देते हो, तो प्लीज गो अलोंग अनदर पाथ, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गो अनदर पाथ, जो ये लेक का जो पाथ है वे है, पाथ मीन्स होता है वे, तो ये लेक का जो वे है वो तुम लोग यूज दूसरा करो, यूज अनदर वे, तुम अपना वे बदल दो, अपना पाथ बदल दो। नाउ वन डे वी मे हेल्प यू, अगर आप ऐसे करते हो, इफ यू चेंज योर वे, अगर आप अपना रास्ता बदल देते हो, यहाँ से ना करते, यहाँ से ना चलते हुए दूसरे अगर रास्ते से आप जाते हो, तो वन डे वी मे हेल्प यू, हम आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। माइस सेड टू द एलिफेंट, अभी ये देखो ये माइस छोटे है और एलिफेंट बहुत बड़े है, फिर भी उन्होंने क्या कहा कि वन डे वी विल हेल्प यू, हम आपको हेल्प करेंगे। ओके, नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी वी विल सी नेक्स्ट वीडियो, बिफोर राइट सम क्वेश्चन आंसर। There is first question, why did everyone leave the palace? सभी ने पैलेस क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया था पैलेस, बिकॉज King grew old and died, क्योंकि king बूढ़े होके मर गए थे, so the people leave the palace, so the people left the palace, okay, write this question, now next question, B question, who lived in the crack of the floor? Who lived in the crack of the floor? कौन रहते थे? Who lived in the crack of the floor? Answer is 100 of mice. 100 ऑफ माइस, वहां पर बहुत सारे माइस वहां पर लिविंग कर रहे थे, राइट दिस इन योर नोटबुक। ओके, नाउ अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी वी विल सी नेक्स्ट वीडियो।